हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम गर्ल्स शॉर्ट्स बनाना सीखेंगे। समर्स आ चुके हैं और लोग शॉर्ट्स बाय करेंगे जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन शॉर्ट्स की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर की जाए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर करी थी जो कि मैंने पिंक कलर में और वो भी कॉटन के फैब्रिक से ही बनाया था वो शॉर्ट्स। तो उसको भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो, उसका भी मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। शॉर्ट्स बनाने का मेथड बहुत ही इजी है, बस आपको एक काम करना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप अच्छे से समझ जाए। सारे फॉर्मूलाज में वगैरह सारे नीचे मेंशन कर दूंगी, आप इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने फैब्रिक को सबसे पहले फोर फोल्ड कर लिया है। खुला वाला साइड देखिए, जो ओपन वाला साइड है देख सकते हैं आप, मैंने अपनी साइड रखा हुआ है और बंद वाला साइड जो है वो मेरे ऑपोजिट है। ये खुला वाला साइड है, ये बंद है, यहाँ से भी बंद है और ये वाला खुला वाला पार्ट है। तो बस इस तरीके से हमें फैब्रिक को रख लेना है, फोर फोल्डेड है। और रख लेने के बाद अब हमें निशान लगाना शुरू करना है। सबसे पहले हमें अपने इंची टेप से नाप लेना है अपने इलास्टिक के साइज़ को। लाइक आपका इलास्टिक का साइज़ है एक इंच, जैसे कि मेरे इलास्टिक का साइज़ था एक इंच, जितना भी आपका इलास्टिक का साइज़ हो उसमें हाफ इंच और ऐड कर लें फोल्डिंग के लिए। तो देखिए, यहाँ पर एक इंच मैंने आधा इंच ऐड करा, डेढ़ इंच हो गया, आधा इंच फोल्ड हो जाएगा एक इंच इलास्टिक के लिए। तो ये डेढ़ इंच में मैंने निशान लगा लिया, इलास्टिक के लिए हो गया। उसके बाद देखिए इस तरीके से ही फोल्ड होगा उस। तो अब जो भी हमने जो चौक से निशान लगाया है ना, उसी के नीचे से हमें सारा मेजरमेंट करना है। देखिए, इस जो लाइन मैंने खींची इसके नीचे से हमें सारा मेजरमेंट रखना है। तो यहाँ पे अब हमें डिसाइड करना है शॉर्ट्स की हमें लेंथ कितनी रखनी है। तो मैं यहाँ पे 14 इंच लेंथ रख रही हूँ रेडी, और एक इंच रख रही हूँ नीचे से फोल्ड करने के लिए। तो टोटल हो गया 15 इंच, तो 15 इंच में निशान लगा लूँगी। देखिए, ये हमारा है जितना हमें चाहिए लेंथ, और ये हो गया मार्जिन वाला, तो एक इंच मार्जिन रखी है मैंने। तो लेंथ हो गया टोटल 14 इंच। कमर का निशान लगाने के लिए हमें हिप मेज़रमेंट चाहिए। तो हिप यहाँ पर 36 इंच था, उसमें 4 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, 40 हो गया। और 40 को 4 से डिवाइड करें यानी कि भाग कर, 10 इंच पे देखिए निशान लगा दिया इस तरीके से। और यहाँ से अब हमें लगाना है आसन का निशान। आसन का निशान लगाने के लिए 36 इंच हमारा हिप मेज़रमेंट, हिप मेज़रमेंट को ही हम लेते हैं। तो 36 इंच हमारा हिप मेज़रमेंट था, तो उसको हमने 4 से डिवाइड किया यानी कि 4 से भाग किया, तो वो आ गया 9 इंच। और उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे हम, तो हो गया टोटल 11 इंच। तो मैंने 11 इंच पे निशान लगा दिया है। आसन का निशान लगा लेने के बाद अब हम क्रॉच का निशान लगाएंगे। यहाँ से मैं 2 इंच आगे की साइड बढ़ाते हुए निशान लगा लूँगी। देखिए इस तरीके से 2 इंच का निशान लगा लेंगे। यहाँ से इसको हम राउंड कर लेंगे इस तरह से। और अब नीचे हमें बॉटम कितना चाहिए उसका निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे बॉटम का निशान लगा रही हूँ 13 इंच, 13 इंच मुझे चाहिए। तो इस तरीके से इसको हम मिला लेंगे, तो ये हो गया। और अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो इसकी हमने कटिंग कर ली है, देखिए ये हो गया रेडी। तो ये कटिंग तो हो गया है। उसके बाद जो हमने ऊपर डेढ़ इंच का जो मार्जिन का जो निशान लगाया था, देख सकते हैं आप, हाफ़ में निशान लगा हुआ है और हाफ़ में निशान नहीं लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ऐसे मैं इसको पूरे में निशान लगा लूँगी ताकि जब हम फैब्रिक फोल्ड करें, इलास्टिक डालें, तो फैब्रिक जो है यानी कि जो कपड़ा जो है कम ज़्यादा अंदर या बाहर ना हो, एकदम इक्वली रहे। तो ऐसे मैंने दोनों साइड निशान लगा लिया है, ये देख सकते हैं आप, डेढ़ डेढ़ इंच का दोनों साइड निशान लगा लिया है। उसके बाद इसमें हम डोरी जो बांधने के लिए ऊपर लगाएंगे और छोटे से लूप्स देखेंगे, उसके लिए फैब्रिक ले लिया है मैंने। तो जो डोरी के लिए फैब्रिक लिया उसकी चौड़ाई 2 इंच है। और देखिए इस तरीके के हमें 3 लूप्स चाहिए, तो इनकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है और लंबाई जो है ये है 3 इंच। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी स्टिचिंग। उम्मीद है आपको यहाँ तक कटिंग समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये हमारा शॉर्ट्स है। सबसे पहले तो इसका आसन वाला पार्ट हमें यहाँ से सिल लेना है। इसको हम सिल लेंगे इस तरीके से मिलाते हुए, हाफ इंच के से थोड़ा सा कम का गैप देते हुए मैं इसको स्टिच कर लूँगी। आसन वाले पार्ट को देखिए मैंने सिल लिया है। उसके बाद मैं इसको मिड में कर लेती हूँ इस तरीके से। मिड में कर लेने के बाद देखिए, नीचे से हमने एक इंच का मार्जिन लिया था फोल्डिंग करने के लिए, तो ऐसे सेम एज इट इज़ आप दूसरी साइड भी फोल्ड का निशान लगा सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट एक एक इंच नीचे से इसको हमें फोल्ड कर लेना है बस। तो नीचे से मैं इसका फोल्ड कर लेती हूँ, ये देखिए इस तरीके से, इतना ऐसे फोल्ड करते हुए इसको हम स्टिच कर लेंगे। और ऐसे ही मैं दोनों पोंचों को स्टिच कर लूँ।
शॉर्ट्स के बॉटम वाले पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है, देख सकते हैं आप। यहाँ से हमने इसे फोल्ड कर लिया है, एक इंच का मार्जिन लिया था, सिल लिया है। अब बच गया ये मिड वाला पार्ट, क्रॉच वाला पार्ट, इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। इसको सिल लेने के बाद इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक डालने का फॉर्मूला ये है कि जितना भी आपका कमर का नाप है उससे आप 1 से 2 इंच आप छोटा ले लें, आपको इलास्टिक इजीली सही से आ जाएगा, बिल्कुल कम या ज़्यादा नहीं होगा। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है कि आप इलास्टिक किस तरीके से परफेक्टली मेज़र कर सकते हैं। तो देखिए इतना ही आ गया, 1/2 इंच का मार्जिन अंदर की साइड रखना है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको हमें स्टिच कर लेना है। तो सबसे पहले हमें इलास्टिक इसमें नहीं डालना है, हमें अपनाना है आसान तरीका। ये देखिए 1/2 इंच में फोल्ड करते हुए पूरे को इसको सिल लूँगी इस तरीके से, और थोड़ा सा मैं इसमें मार्जिन छोड़ दूँगी ताकि हम इलास्टिक इसमें इंसर्ट कर सकें। क्योंकि आप डायरेक्ट इलास्टिक डालकर सिलेंगे, कोई मान लो बिगिनर है, न्यू है, उसका इलास्टिक ही उसमें सिल गया तो एक अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे अच्छा जितना भी आपका इलास्टिक है उतना जगह छोड़ते हुए आप उसको फैब्रिक को ही फोल्ड करते हुए सिल लें, और बाद में पिन वगैरह से किसी भी चीज़ से आप इलास्टिक को ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान रहता है। इतना सा मैंने इसमें गैप छोड़ दिया है, तो यहीं से अब मैं इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर लूँगी। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से है। तो इसमें हमें पिन लगा लेना है, और नॉर्मली जैसे हम इसको डालते हैं वैसे डाल लेना है। तो मैं इसको डाल लेती हूँ, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, इलास्टिक को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरीके से रख लेना, और इसको हमें 5-6 बार इसके ऊपर स्टिच कर लेना ताकि बिल्कुल एकदम पक्की स्टिचिंग हो जाए इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे देखिए, एकदम इसको पक्का कर लेना है हमें। उसके बाद इसको हमें फैब्रिक को क्या करना है, देखिए कमर वाले जो कपड़ा जो है ना, बिल्कुल इसको खींचते हुए एकदम हर जगह जो गैदर्स जो बन रहे हैं बिल्कुल एक बराबर कर लेना है, और जो हल्का सा जो फैब्रिक हमने छोड़ा हुआ था ना डालने के लिए इलास्टिक, उस वाले पार्ट को भी सिलकर बंद कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको सिल दिया है, और उसके बाद जो गैदर्स है बिल्कुल इक्वली पूरे में डाल लेंगे इलास्टिक का, कहीं कम ना हो कहीं ज़्यादा ना हो। तो इसको खींच खींच के हम इसमें गैदर्स डाल लेंगे। तो देखिए ये हो गया पूरा, खींच खींच के हमने पूरी जगह कर दिया एक बराबर, कहीं कपड़ा कम नहीं कहीं ज़्यादा नहीं। और इसके बाद इसमें अब हमें इलास्टिक का जो है सिलाई लगाना है। चाहे तो आप बीच में एक सिलाई लगा दें, बिल्कुल इलास्टिक पलटेगी नहीं, सिलाई इसीलिए लगा रहे ताकि ये पलटे ना, तो बीच में आप लगा दें चाहे तो। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर 1/2 इंच के करीब का मार्जिन देते हुए ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए नीचे से सिलाई लगा दूँगी। तो मैं इलास्टिक के ऊपर 2 सिलाई लगा रही हूँ, देख सकते हैं आप। ऊपर वाले पार्ट में मैंने 1 सिलाई लगा ली, अब नीचे से भी 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए मैं 1 सिलाई लगा दे रही हूँ। तो बीच में जगह जो है वो खाली रहेगी, और ऊपर से और नीचे से स्टिच रहेगा। आप चाहें तो मिड में भी सीधा एक ना ऊपर सिलाई लगाएं ना नीचे सिलाई लगाएं, मिड में सीधा 1 सिलाई लगा दें और बात ख़त्म। इतना आप कर सकते हैं, बस हमें इसलिए सिलाई लगा रहे हैं ताकि इसकी जो इलास्टिक है वो पलटे नहीं। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको पूरे में सिलाई लगा देती हूँ, और हमें आगे से फैब्रिक पकड़ना है और पीछे से ही पकड़ना है, बिल्कुल खींच के रखना है इसको ताकि फैब्रिक में गैदर्स ना बने, बिल्कुल एकदम सीधा कपड़ा होना चाहिए, तब हमें उस पर सिलाई लगाना है, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इलास्टिक वाला पार्ट रेडी कर लेने के बाद ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से ये स्टिच हो चुका है। और ये ऊपर वाला मतलब इसका पार्ट पूरा रेडी हो चुका है, बहुत ही इजीली देख सकते हैं आप, शॉर्ट्स बहुत ही इजीली रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल फैब्रिक को मिड में रखना है। देखिए इस तरीके से साइड में निशान लगा लेना है, पीछे वाले मिड में निशान और किनारे पे, मतलब दोनों किनारे पे और पीछे हमने निशान लगा लिया। तो जो लूप्स है ना वो हम सिलेंगे जैसे पैंट में या जीन्स में लगे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। देखिए 1 इंच चौड़ा और लंबाई है 3 इंच। तो बिल्कुल इसको आराम से हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और स्टिच कर लेना है। तो पहले से सबसे पहले मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ, और इस तरीके से हमें देख लेना है कैसे इसको इसके ऊपर रख कर सिलना है। थोड़ा 3 इंच हमने रखा हुआ है, थोड़ा सा हमें इसे लूज़ रखना है, बिल्कुल इलास्टिक के साइज़ का नहीं रखना है। देखिए दोनों जगह से फोल्ड कर लिया और सिल देना है, और ये देख सकते हैं आप उठा हुआ है थोड़ा सा, ये लूज़ है। तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना है,
बिल्कुल 1 इंच बीच में गैप नहीं होना चाहिए, लूज़ होना चाहिए। तो इसको हम दोनों साइड से सिलते हुए इसको हम पक्का कर लेंगे। ये देखिए नीचे वाला पार्ट ये हो गया इस तरीके से। तो इसको भी मैं सिलकर तीनों जगह हम इसको स्टिच कर लेंगे। तीनों जगह स्टिच कर लेने के बाद हमने पट्टी ली हुई थी जो सिलना है, वो एक स्ट्रैप की तरह यूज़ होगा बांधने के लिए इसके ऊपर। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से यहाँ पर बन गया है ये स्ट्रैप ऐसे। ये वाला मिड वाला पार्ट पीछे का और फिर ये साइड वाला, तो ये तीन लग गया है। उसके बाद अब हमें वो फैब्रिक लेना है स्ट्रैप के लिए। ये देख सकते हैं इतना है ये। इसकी लंबाई जो है टोटल 50 इंच लंबा है। ये अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। लंबाई 50 इंच है और जो चौड़ाई है वो है 2 इंच, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए एक साइड, दोनों साइड से मैंने इसको सिल दिया है और इधर लास्ट वाले पार्ट से भी सिल दिया, और एक साइड से मैंने इसको खुला रखा हुआ है ताकि मैं इसको पलट सकूँ। पलटने के लिए मैंने इसमें कील का हेल्प लिया है। आप किसी और चीज़ से भी, मतलब कोई भी ऐसी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल करके आप इसको पलट सकते हैं। चाहे तो उंगली से भी पलट सकते हैं क्योंकि ये बहुत खुला खुला है तो ईजीली पलट जाएगा। तो देखिए इस तरीके से बंद वाले साइड से हमने डाला और खुले वाले साइड से निकाल लिया। तो इसको मैं ऐसे अब इसको हम पलट लेंगे और इसको फिर बाद में इसको मैं आयरन कर लूँगी। एक साइड से देखिए खुला हुआ है तो उसका फैब्रिक जो है हमें क्या करना है, अंदर की साइड करते हुए स्टिच कर लेना है। और ये जो बंद वाला साइड है इसके किनारे जो कोने हैं ऐसे पिन से मैं इसको बाहर कर ले रही हूँ। ये हो गया। अब इसका दूसरा वाला साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम और इसको भी स्टिच कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये शॉर्ट्स की कटिंग और स्टिचिंग समझ में आई होगी। फॉर्मूला किस तरीके से इस्तेमाल करना है अपने अकॉर्डिंग, अपना मेज़रमेंट का नाप किस तरीके से निशान लगा सकते हैं वो समझ में आ गया होगा आपको। इसका फाइनल लुक आयरन करने के बाद मैं इसको आप दिखा देती हूँ और इसमें आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। तो इसका फाइनल लुक देख लेते हैं कैसा आया। इसको मैंने आयरन कर लिया अच्छे से ताकि एक एक चीज़ फिनिशिंग के साथ प्रेस हो जाए, अच्छे से आयरन हो जाए। देखिए बकल्स तीनों, नीचे वाला पार्ट इस तरीके से है और जो हमने इसमें जो जो स्ट्रैप्स हम लगाएंगे इसके अंदर उसको भी मैंने अच्छे से आयरन कर लिया। इसको भी मैं डाल लेती हूँ इस तरीके से तीनों साइड से डालते हुए। एंड गाइस मैंने एक एक स्टेप बताया, आप जिस साइज़ का बनाना चाहें उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, जो नीचे मेंशन है स्क्रीन पे उसका इस्तेमाल करके आप इजीली इसकी स्टिचिंग कटिंग दोनों ही कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू।